दिवाली का ऑफर चल रहा है इसलिए मुझे आधे रेट में मिला। सो गाइस फाइनली ये रहा मेरा आईपैड जिसमें मैं एडिट करता हूँ अपनी सारी वीडियो। और इसको मैंने कितने का परचेस किया और सडनली अभी दिवाली का ऑफर चल रहा है तो ये मुझे कितने का पड़ा, आधे रेट में पड़ा, या मेरे को किसी ने गिफ्ट किया है, या मैंने कितने का लिया, कैसे लिया है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका इस आईपैड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आईपैड आपको एडिटिंग के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखना। सो गाइस फाइनली हम एक बार इस आईपैड का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें आपको क्या क्या मिलता है। देखिए हमें लाइटनिंग केबल मिल जाती है इसमें, और इस केबल की क्वालिटी मैं सही बताऊं मस्त केबल है यार, बहुत जल्दी चार्ज करता है ये। और ये रही एक अडॉप्टर, ये है एप्पल की तरफ से ओरिजिनल अडॉप्टर है, ये देखो लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो फाइनली जो हमारा मैन है वो ये रहा आईपैड, और इसके अंदर से कुछ स्टिकर निकले थे जो मैंने इसके पीछे चिपका दिए यार, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है मुझे। एप्पल तीन एप्पल हो गए खाए हुए एप्पल। तो सर चलो यार इसको फाइनली हम इसको ऑन करते हैं एक बार। और मैंने इसको पहले ही सेटअप कर लिया था। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। तो दोस्तों ये रियल में आईपैड है, आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ मैंने फेक सा वीडियो बना रहा हूँ, ये क्लोन है या डमी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार मैं आपको इसको अंदर का फीचर दिखा देता हूँ, देखिए इसको मैंने ऑन किया, ये रहा अमाउंट में जाके आप देख सकते हैं कि ये रियल में आईपैड है, 64 GB या 27 GB इसमें खाली है। और ये रहा आईपैड। सो गाइस फाइनली मैं आप बताऊंगा इस आईपैड को मैंने क्यों परचेस किया, कितने का परचेस किया। और मेरे पास लैपटॉप भी आईफोन भी, आईफोन 11 है, और उसके बाद मैंने आईपैड 9 क्यों खरीदा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को आप स्किप मत करना। और कुछ सबसे पहले मैं आपको इस आईपैड से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा। सो दोस्तों इस आईपैड में ऐसा प्रोसेसर लगा हुआ है ना गाइस कि इसका कोई मुकाबला नहीं है, इस आईपैड का कोई भी टैबलेट आईपैड मुकाबला नहीं कर सकता, इतना पावरफुल है ये। और अगर मैं यार इसकी बैटरी की बात करूं तो इसकी बैटरी ऐसी है कि अगर आप इसको एक बार चार्ज कर लोगे तो पूरा 2 दिन चलता है, आपके नॉर्मल टास्क के ऊपर ये 2 दिन चलेगा, अगर आप हैवी टास्क करोगे तो ये नॉर्मल 1 डे आपका आराम से पार कर देगा। और ऐसा नहीं है कि अगर हमने इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है और चार्ज करने में इसको कितना टाइम लगता है, तो चार्ज करने में इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। जो इसके साथ मुझे एडॉप्टर मिला है उससे अगर मैं मिनिमम इसको चार्ज करूँ तो 1 घंटा, हाँ 1 घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो जाता है, फुल चार्ज हो जाता है। और उसके बाद ड्रेन की बात करूँ तो अगर मैं लगातार इसको यूज़ करूँ हैवी टास्क के ऊपर, हैवी टास्क मैं इसमें गेम वेम कुछ नहीं खेलता, मैं इसमें जो हैवी टास्क करता हूँ वो करता हूँ इसमें सिर्फ एडिटिंग। तो एडिटिंग जब मैं इसको करता हूँ तो ये थोड़ा सा, जब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ अपनी वीडियो को रेंडर करने के बाद एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये थोड़ा सा, आप मानोगे नहीं, थोड़ा सा हीट हो जाता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हीट हो जाता है। और अगर मैं एडिटिंग के ऊपर बात करूँ तो कितना देर चलता है, तो अगर मैं इसको एडिटिंग 0 से 100 चार्ज करके और अगर मैं इससे आईपैड से एडिटिंग करूँ तो 6-8 घंटे आराम से लग जाते हैं, 7-8 एक वीडियो को नॉर्मली अगर मैं अच्छी तरीके से रेंडर और एक्सपोर्ट करूँ उसको नॉर्मली आराम से, अगर मैं उसको एडिट करूँ तो 1 घंटा मुझे आराम से लग जाता है, तो नॉर्मली 7-8 घंटा आराम से लग जाता है। सो दोस्तों मैं सही बताऊँ ना यार, मैं इस आईपैड से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यार ये हर एक वो चीज़ कर सकता है जिस चीज़ की मुझे जरूरत है, जो टास्क मैंने करने हैं वो सारे टास्क मेरे इसके ऊपर हो जाते हैं। हाँ कैपेसिटी की मेमोरी की बात करूँ तो 64 GB है, और जो मेरे आईफोन की जो मेमोरी है स्टोरेज है वो 128 GB है, 128 GB है। तो मैं ज़्यादातर वीडियो अपने आईफोन के अंदर ही शूट करके रख लेता हूँ, और जो एडिट करना होता है वो मैं उसमें से निकाल के इसमें डाल लेता हूँ। दिवाली का ऑफर चल रहा है इसलिए मुझे आधे रेट में मिला है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेस किया है। बहुत टाइम से यार मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था, और इकट्ठा करने के बाद मैंने सोच रखा था कि यार कि मैंने एक आईपैड लेना है, तो मैंने इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेस किया है। और ये है मेरे को कम से कम पड़ गया 31,000 का। अगर आप इसकी ऑनलाइन प्राइस चेक करोगे तो 28,000 है, 28,000 रुपये इसका कुछ फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑनलाइन है, 28,300-28,400 रुपये कुछ इसका प्राइस चल रहा है, पर ये अभी मैंने इसको इंस्टॉलमेंट के ऊपर परचेस किया है तो ये मुझे पड़ गया 31,000 का, 30,000 रुपये का पड़ गया। और 10,000 रुपये मैंने इसकी डाउन पेमेंट दी थी, तो जो 21,000 रुपये है उसकी मेरी इंस्टॉलमेंट बन रखी है 1 साल की,
ये आईपैड मेरे को किसी ने गिफ्ट किया है तो ऐसा कुछ ही नहीं है दोस्तों, ये आईपैड मैंने खुद अपनी मेहनत से लिया है, पैसे इकट्ठे करे हैं इसके पीछे तो जाके मैंने ये आईपैड खरीदा है। और मैं आप एडिटिंग की बात करूँ तो यार मैं है ना पहले अपने लैपटॉप के ऊपर एडिट करता था, तो उसमें मेरे को एडिट करने में आप मानोगे नहीं 3-4 घंटे ये लग जाते थे और वो काफ़ी ज़्यादा लैग करता था। अगर आप बोलोगे कि लैपटॉप की वीडियो बनाने के लिए तो मैं एक उसकी भी वीडियो बना दूंगा और उसके सारे फीचर बताऊंगा, कौन से जनरेशन का है, उसमें कितनी जीबी हार्ड डिस्क है, कितना पुराना लैपटॉप है, कौन से कंपनी का लैपटॉप है, सारा कुछ मैं आपको उसकी भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बता देना। तो मैंने एक नॉर्मली मैं सीधी बात बताऊँ, मैंने इसको कोई गेम वूम खेलने के लिए या कोई गाने गुने या वीडियो वीडियो या मूवी भी देखने के लिए नहीं परचेस किया, मैंने इसको सिर्फ सिर्फ एडिटिंग के लिए परचेस किया है और मेरे को इससे कोई काम नहीं है, मेरे को सिर्फ इससे एक ही काम होता है, सिर्फ मैं इससे एडिट करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। तो गाइस मेरा भी एक सपना था कि मेरे पास एक आईपैड होना चाहिए, और आईपैड यार एप्पल का तो नाम ही सुनते हैं ना हम जैसे लोग है ना कि हाथ खड़े कर देते हैं कि यार आईफोन एप्पल की बात है तो 5-10 हज़ार से नीचे कोई सामान मिलता नहीं, आपको पता है एप्पल का। अगर हम एप्पल का अगर सामान भी खरीदे जैसे फ़ोन खरीदे तो आपको पता है तो 35-40 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं हमारे।